दोस्तों उत्तराखंड के लोग पवन के पापा को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखे होंगे, पर देवश्री आर्टिस्टिक कभी नहीं देखे। हम लोगों का ये ख्वाहिश पूरा हुआ, पर एक ख्वाहिश रह गए। हम लोग चाह रहे थे सुरेश जी परफॉर्म करने के टाइम पर पवन अरु बैक स्टेज पे रहेंगे। ये इच्छा पूरा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि सुन रहे हैं आरुदीप आज सुबह ही हल्दीवानी के लिए निकले थे। पवन का इतना सारा क्वालिटी कहां से आए दोस्तों, अब सच में हम लोग जान पाए। हेरिडिटी, ब्लड कनेक्शन, ये सब वर्ड ऐसा ही नहीं आए दोस्तों। सुरेश राजन जी स्टेज पे उठे, कुमायनी गीत के साथ समा बांध रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस झलक रहे हैं, उनके पॉजिटिविटी देख के पता चल गया हमारा पवन इसी म्यूजिशियन शेर के बच्चा है। पवन आप सुरेश राजन जी के बेटे हो, यही आपका ताकत, यही आपका सम्मान, यही आपका इमारत। सुरेश राजन जी के ब्लड आपके अंदर है, जो आपको दूसरे से 80% आगे बढ़ा दिए हैं। साथ में मिले हैं आपका टैलेंट, भगवान के बहुत बहुत कृपा आपके ऊपर है। पवन आप आगे बढ़ो दोस्तों। सच में इसी हेरिडिटी को साथ लेकर हमारे अरुणिता भी आज यहाँ। अरु के मम्मी शौरबानी मैम से मिले हैं अरु को म्यूजिक से प्यार। आप देखो दो बच्चे के हेरिडिटी कैसे उनके ताकत बन गए। दोस्तों कुमायनी महोत्सव में पवन के परिवार को मिल रहे हैं अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल इज्जत। आज से नहीं पिछले कई सालों से राजन परिवार शामिल होते हैं इसी महोत्सव में। आप तो पवन उत्तराखंड के कल्चरल एम्बेसडर है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके, और लेने भी पड़ रहे हैं पवन को। पवन से कोई काम छूटता नहीं है, लड़का है ही कमाल का, टैलेंटेड पापा के टैलेंटेड लड़का। अब तक के लिए इतना ही। जय कुमायनी महोत्सव, जय आरुदीप।